नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बड़ी खबर सबसे पहले पांच राजनीति की। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने वाली है आज और आज तय होंगे बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। झारखंड की चार सीटों को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस को रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा में तय करते हैं उम्मीदवारों के नाम। और चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख कर लेते हैं। अमर, ये बैठक तो महत्वपूर्ण है, कितने बजे से ये बैठक शुरुआत इसकी होने वाली है? झारखंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, महज एक नाम की घोषणा होनी बाकी है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन नाम फिलहाल जो है ये तय माना जा रहा है कि नाम का जो संघर्ष था लोगों के बीच और INTIA के बीच, लोगों के बीच जो लगातार बातचीत हो रही थी, इन सबके बीच बस अब एक औपचारिक घोषणा बाकी है, उसके इंतजार अब झारखंड की तमाम जनता भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि सब कुछ लगभग तय है और ये बैठक में डिसाइड हो जाएगा कि आखिर कौन से उम्मीदवार होंगे। चार सीटों पे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा था, जिसमें एक सस्पेंस बना हुआ था रांची की सीट पर, लेकिन प्रदीप यादव के ऊपर केस के बाद जो ट्रायल चल रहा है उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक सजग है कि हो सकता है कि गोड्डा में भी कांग्रेस पार्टी अपने जो बैठक है या फिर जो उम्मीदवारों पर चर्चा किया गया था उस पर दोबारा वह पुनः चर्चा करे और नए लोगों को शामिल कर सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज जो बैठक CEC की है शाम में, उसमें कहा जा रहा है कि झारखंड का नहीं भी हो सकता है, इसको शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन फिलहाल पंजाब, हरियाणा और भी जो स्टेट है उसके CEC होंगे। स्क्रीनिंग अभी बिहार के लिए चल रहा है जिसमें आएगा। सबसे बड़ी बात है कि चार सीटों में 3 सीट पहले कांग्रेस ने फाइनल कर लिया था, अपने उम्मीदवार का लगभग नाम तय कर लिया था, सिर्फ घोषणाएं बाकी थी। लेकिन जो गोड्डा सीट है उस पर दोबारा एक बार फिर से जो है कांग्रेस अपने सभी लोगों के साथ बैठक करेगी और उस पर चर्चा करेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो रांची है, राज्य की राजधानी रांची, उस पर कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार विचार करेगी कि आखिर किन उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना है। फिलहाल कहें तो दिल्ली में प्रभारी मौजूद है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी आ चुके हैं, वो भी मौजूद है, कल शाम देर रात तक यहाँ पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि किन 2 सीट जो बचे हुए हैं, गोड्डा और रांची, इस पर पार्टी जो है अपने उम्मीदवार का चयन करेगी और चर्चा करके ये तय करेगी। बिल्कुल अमर, और देखिए चतरा सीट को लेकर भी जो सस्पेंस था, चतरा और पलामू सीट लगातार जो है वो RJD मांग रही थी, और ऐसे में चतरा सीट को लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है? चतरा सीट पर पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना जो उनका मंशा है वो साफ कर दिया कि चतरा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार का चयन भी लगभग वो तय कर रखे हैं कि उनको किनको चुनाव लड़वाना है, कौन से उम्मीदवार या कौन से उनके लोग होंगे जो चुनाव मैदान में जाएंगे, ये भी तय हो चुका है चतरा धनबाद को लेकर के। लेकिन ये गोड्डा भी तय था, लेकिन गोड्डा में जो एफरेंडम जो केस का मामला खुला उसके बाद आपने उसमें जो ट्रायल शुरू हो गया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द है उसमें डिसीजन आ जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी इस पर एक चर्चा कर रही है। फिलहाल इससे पहले भी 3 सीटों पर मैंने आपको बताया था कि पहले किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रांची पर भी एक बार पुनः जो है चर्चा करे पार्टी करेगी और उसके बाद जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसको टिकट देगी। लेकिन जहां तक चतरा और पलामू की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंसूबा तय कर दी है कि अगर RJD को चतरा चुनाव लड़ना है तो पलामू छोड़ना होगा, लेकिन फिलहाल मामला बिल्कुल साफ हो चुका है कि चतरा पर कांग्रेस ही लड़ेगी और अपने उम्मीदवार का भी उन्होंने चयन कर रखा है जो लिस्टिंग होता है वो। अब आप देखिए, कल या परसों 2 दिन के अंदर जो है हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक लिस्ट अपना जारी करे और जिसमें इन चारों सीटों का उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल अमर, देखिए अगर रांची के बाद बात करें तो धनबाद भी एक हॉट सीट है जिसको लेकर भी कई उम्मीदवार जो है वो रेस में है, कई मुलाकातें हो रही है, झारखंड से दिल्ली तक का दौरा भी लग रहा है कई ऐसे शीर्ष नेताओं का, तो ऐसे में धनबाद भी एक वैसा सीट जिस पर भी खूब चर्चा हुई है इस लोकसभा चुनाव के भीतर। बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेस का कहना है कि धनबाद सीट पर जो है लगभग तय हो चुका है और जो नाम थे वो भी तय हो चुका है कि हर किनको चुनाव लगाना है, लेकिन एक औपचारिकता बाकी है
की धनबाद सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी किसे लगाना चाहती है। रही बात आप चतरा पे, उसके बाद रही गुड्डा पे दोबारा उस पर चयन हो रहा है, उसके बाद रांची पर जो है वो संशय अभी भी बरकरार है और पार्टी जो है रांची पर भी अपने उम्मीदवार का चयन की जो है चर्चाएं करेगी। दो सीटें ऐसे हैं जिस पर चर्चा करेगी, धनबाद और चतरा पे लगभग उम्मीदवार तय है जिनको चुनाव मैदान में उतारे जाने हैं। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता का मतलब ये है कि अपने उम्मीदवार के घोषणा की जो लिस्ट है वो जारी करने बाकी है। फिलहाल दो सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर चुके हैं, दो सीटों पर चर्चा होनी है, उसके बाद जो है चारों सीट पर घोषणा की जाएगी। आपसे एक अंतिम सवाल, क्योंकि देखिए INTIA थोड़ी देरी कर रही है भले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर इस पर, लेकिन बयान भी सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि NDA ने जो हड़बड़ी में गड़बड़ी की, यानी कि उन्होंने जो पहले ही लिस्ट और दूसरी ही लिस्ट में नाम को स्पष्ट कर दिया, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, उनको अब ऐसा का नौबत आ चुका है कि उन्हें नाम वापस से बदलने की जरूरत पड़ रही है, और ये हड़बड़ी INTIA ये नहीं करना चाहता, इस वजह से ये देरी हुई है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा एक बयान में। देखिए, जो आदमी कांग्रेस के कल्चर को समझता है वो सारी चीजें को समझ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह से लेट कर रही है। ये पहली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का लेट कर रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनका जो अपना राजनीति करने का जो तरीका है वो हमेशा सूझबूझ और थोक बजा करके जो है अपने उम्मीदवार का चयन करती है। अब यही वजह है कि हर पार्ट को जब स्क्रीनिंग कमेटी में लोगों का नाम भेजा जाता है तो चार लोगों का नाम भेजा जाता है, उसमें तय किए जाते हैं दो लोगों का नाम जो है CC में भेजा जाता है जिसमें तय होता है कि एक उम्मीदवार का नाम। तो इतना समय और इतने लोगों को चयन करने में वक्त तो लगता है और जल्दबाजी क्या किस चीज की है ये पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप अच्छे उम्मीदवार को नहीं देते हैं चुनाव मैदान में तो आपकी हार निश्चित हो जाती है, या आप सर्वे करवा लें, बात कर लें, उसके बाद जो है एक मजबूत उम्मीदवार का चयन किया जाता है। कांग्रेस की जो प्रणाली है चयन करने का, उसके बाद वो अपने लिस्ट को जारी करता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, कांग्रेस लगातार ये कहते रही है। और ये आप देखना ये होगा कि जो चार सीट बचे हुए हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आज एक छोटी सी बैठक हो सकती है या फोनिक हो या आपस में बैठ करके चर्चाएं होगी, क्योंकि प्रभारी और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो दोनों दिल्ली में मौजूद है। रात में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन यहाँ पार्टी ऑफिस पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी और ये तय करने के लिए कि आखिर जो चार सीट बचे हुए हैं झारखंड में उसके उम्मीदवार कौन होंगे और कब तक इसे जारी किया जाएगा। तो एक मुलाकात हुई है। खबर पर असर अपडेट्स पहुंचाते रहे हमारे दर्शकों तक कि आज ये महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक के बाद कौन से ऐसे नाम निकलकर सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के और उस पर किसकी मुहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि इस बार कांग्रेस या फिर INTIA की बात कर ले तो स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक होगी तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नाम निकलकर सामने आएंगे। महज एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और इस बैठक में झारखंड विशेष के भी कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं, कई दौरे लग रहे हैं दिल्ली से झारखंड के बीच और ऐसे में अब ये नाम स्पष्ट हो पाएगा कि इन चार सीटों पर कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।